लेकर धर्म बदलने की बातें कई बार सामने आई हैं, लेकिन जब भी इसके विरोध में आवाज उठती है तो कुछ लोग लोकतंत्र की दुहाई देकर इसका विरोध करने लगते हैं। हमारे देश में कुछ लोगों ने अत्याचारी सुल्तानों और बादशाहों को महानायक बनाकर पेश किया है, लेकिन इसका सच कुछ और ही था और यही सच आपको हम दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको 300 साल पुरानी शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानी दिखा रहे हैं, जो कि इतिहास में मिसाल है। सच्चे पादशाह दसवीं पादशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फरमाया है, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम तरावा। ये बलिदान की धरती है, सिख वीरों ने अपने खून से इस मिट्टी को सींचा है। यहाँ की हवाओं में शहादत की खुशबू है और चप्पे चप्पे पर सिखों के गुरु और उनके साहिबजादों के शौर्य और पराक्रम की निशानी है। आनंदपुर साहिब के करीब फतेहगढ़ साहिब भी है, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ, जहाँ सिखों के दसवें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचार का जवाब अपने महान बलिदान से दिया। सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ये तस्वीरें इसी ऐतिहासिक सत्य का प्रतीक हैं। मुगल बादशाह औरंगजेब के सूबेदार वजीर सिंह के आदेश पर श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के दो साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह साहिब और श्री फतेह सिंह साहिब को दीवार में चुनवाया गया, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। जी न्यूज आज फतेहगढ़ साहिब की इसी पवित्र भूमि पर है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा बलिदान हुआ। साहिबजादों और माता जी को ठंडे बुर्ज में कैद करने के बाद इस धरती पर कचहरी लगती थी मुगल हाकमों की, तो 3 दिन साहिबजादों को माता जी से जुदा करके जहां पर लाया गया, और एक ही शर्त होती थी कि आप जीवित तो रहो मगर गुलामों की तरह जीवित रहो। 13 पोह का जो दिन था, नियत हुआ मौत का, साहिबजादों को दीवार में खड़े करके चुना गया। छोटे से बाल थे, नन्ही सी जिंदे थी। अल्लाह यार खां जोगी लिखते हैं, जब दीवारे दबाव से हद से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा और सांस कम हुआ, नेचुरली थी जब दीवार उसरी और उनका ब्लड भी खून का दौरा और सांस रुकने लगे और साहिबजादे बेहोश हो गए। बाबा जोरावर सिंह साहिब की उम्र 9 वर्ष थी और बाबा फतेह सिंह साहिब की उम्र 7 वर्ष। औरंगजेब के सूबेदार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, इस्लाम स्वीकार कर लो तो शहजादों की तरह रहोगे और नहीं तो मरना होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब के महान पुत्रों ने खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के सामने सिर नहीं झुकाया। इतिहास ये कहता है कि जो 9 साल के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह थे, उनके प्राण जल्दी निकल गए और जो छोटे 7 साल के थे वो लगभग 12 मिनट उनका शरीर ऐसे कांपता रहा और फिर वो शरीर आस्ता आस्ता शांत होता, ठंडा होता है। ऐसे तड़पा तड़पा कर बड़ा बड़ा सैलाब खून का लगा होगा, जैसे गुरु के लालों को शहीद किया। ये आज से करीब 300 वर्ष पहले का इतिहास है, जब रक्त का प्यासा बादशाह औरंगजेब पूरे भारत को हरे रंग में रंग देना चाहता था, लेकिन उत्तर भारत में उनके इस अभियान में रुकावट थे श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब। आनंदपुर साहिब में जब आप चलते हैं तो वहां पर वैसे तो श्री गुरु गोविंद सिंह से जुड़ी हुई बहुत सारी जगह हैं, लेकिन उस वक्त की यानी अब से 300 साल से भी ज्यादा पुरानी जब उन जगहों को देखने की तलाशने की हम कोशिश करते हैं तो ये इमारत सामने आती है। ये इमारत उस वक्त की है, 300 साल से भी ज्यादा पुरानी। गुरु साहब चले गए थे ना, तो मुसलमानों ने इसको जो भी वहां पर कंस्ट्रक्शन थी उसको तहस नहस कर। सिखों के गुरुओं ने आनंदपुर साहिब बसाया। कहा जाता है कि वर्ष 1704 के करीब औरंगजेब ने 10 लाख की फौज लेकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। 8 महीने तक औरंगजेब की सेना आनंदपुर में पड़ाव डाले रही, लेकिन बहादुर सिखों के सामने मुगल कहीं ठहर नहीं पा रहे थे। जब औरंगजेब को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तब धोखे और षड्यंत्र का सहारा लिया गया। धार्मिक प्रतीकों की शपथ लेकर औरंगजेब ने संदेश भेजा कि श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब शहर खाली कर दें, मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी, लेकिन औरंगजेब ने अपना वादा तोड़ दिया। ये कहा जा रहा था कि गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज आप इस शहर को खाली करके इसको छोड़ के यहाँ से चले जाएं। तकरीबन 7-8 महीने इस सारे शहर को उन्होंने घेरा डाल रखा। कोई भी जो खाने पीने का सामान था वो अंदर नहीं जाने देते थे, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी। जो मुगल सैनिक थे उन्होंने धावा बोलकर वो सारा सामान लूटने की कोशिश की,
कि गुरु जी का खजाना जा रहा है। तो गुरु जी ने अपने सिंहों को बोला कि ये देखो ये कैसे बेईमान लोग हैं। उस वक्त लाखों की मुगल फौजों से मुट्ठी भर सिख योद्धाओं ने कई बड़े युद्ध लड़े, लेकिन जिस युद्ध की चर्चा पूरी दुनिया में होती है और जिसकी मिसालें दी जाती हैं, उस युद्ध का नाम है चमकौर का युद्ध। ये युद्ध दिसंबर के महीने में हुआ, जिसमें एक तरफ से 40 सिख योद्धा और दूसरी तरफ मुगलों की बहुत बड़ी फौज। ये जगह आज भी चमकौर के युद्ध की गवाह है। इतनी बड़ी फौज और इतनी बड़ी फौज के साथ गुरु जी के 3 5 प्यारे और 2 उनके सपुत्र साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जो 5 प्यारे थे वो थे भाई हिम्मत सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहिब सिंह। उन्होंने बहुत बड़ी जंग की और संसार के इतिहास में इस जंग से बड़ी कोई जंग आज तक नहीं हुई। और हकीम अल्लाह यार खान जो कि एक मुस्लिम लिखारी है, उसने लिखा है कि बस एक ही तीर्थ है हिंद में यात्रा के लिए, कटाए यहाँ बच्चे बाप ने खुदा के लिए। दरअसल जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने आनंदपुर साहिब को छोड़ा, तब मुगलों के हमले की वजह से उनका परिवार बिछड़ गया था। उनके 2 साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह साहिब और बाबा फतेह सिंह साहिब अपनी दादी के साथ अलग हो गए। जिस जगह पर परिवार बिछड़ गया, उस जगह को गुरुद्वारा बिछौड़ा साहिब कहा जाता है। अब हम 300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 300 साल से भी ज्यादा पहले की बात। तो कहा जाता है उस समय सरसा नदी यहाँ से होकर के गुजरती थी और अब धीरे 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 वो पीछे होती चली गई। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर मुगलों ने वैसे तो बार बार धोखा दिया, लेकिन ये वो जगह थी जहाँ पर उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह उनके परिवार पर हमला किया और यहीं से उनका परिवार अलग अलग हुआ। आनंदपुर साहिब मुगलों के क्रूर इतिहास का गवाह है। हमने उस जगह का भी दौरा किया जहां वर्ष 1655 में मुगलों के अत्याचार से परेशान कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर से मदद लेने के लिए आए थे। ये इमारत उस जुल्म की गवाह है जहां पहुंच करके कश्मीरी पंडितों ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि हमारे धर्म की रक्षा कीजिए, और यहीं से श्री गुरु गोविंद सिंह ने श्री गुरु तेग बहादुर से कहा था कि आप बलिदान के लिए तैयार होइए, धर्म के लिए, देश के लिए। जब मुगलों ने आनंदपुर साहिब पर हमला किया तो सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन 300 वर्ष पुरानी एक बहुत पुरानी इमारत आज भी मौजूद है। लेकिन ये दुख की बात है कि आजादी के बाद भी इतिहास की इन धरोहरों का ठीक ढंग से ध्यान नहीं रखा गया। कि जैसे यरूशलम को उन्होंने बचा के रखा यहूदियों ने, हम आनंदपुर साहब को नहीं बचा, क्योंकि दिस इज आनंदपुर साहब जो है सिख धर्म का सिख पंथ यरूशलम। मेरा मानना यह है कि नए साल पे जब आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए शायद ये टूर बना रहे हो कि चलो इस बार यूरोप ले चलते हैं, अमेरिका ले चलते हैं या फिर किसी पहाड़ी स्थान पर ले चलते हैं, तो शायद इस साल तो आप ना कर पाए, अगले साल के लिए थोड़ा सा वक्त निकालिएगा, यहाँ लेकर आइएगा। पंजाब में आज भी लाखों लोग इस शहादत के दिन दूर दूर से आते हैं, लेकिन इस जगह सवाल यही उठता है कि सिर्फ पंजाब के इस गौरवशाली इतिहास को आज पूरे देश को जीना चाहिए था। हर छोटे बच्चे की जुबा पर उन साहिबजादों की वीरता की दास्तां होनी चाहिए थी। केवल 21 फौजी सिख जवान थे, उन्होंने बहुत बड़ी जंग की जिसका जो पाठ क्रम है वो फ्रांस के स्कूलों के सिलेबस में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारी सरकारों की और हमारे लोगों की ये बेईमानी है कि इतना बड़ा युद्ध जो इस धरती पर हुआ है और जो धर्म के लिए हुआ है, उसको हमारे स्कूलों की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये हमारी कड़वी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी गुलामी की ये निशानी है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर उस वक्त ये लड़ाई ना होती, ये शहादत ना होती, तो मुगल पूरे उत्तर भारत में धार्मिक उन्माद फैला चुके होते। इस गौरव गाथा को बताते हुए अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो माफ कीजिएगा, वैसे मेरी भूल तो माफ हो भी जाएगी, लेकिन इस अद्भुत शौर्य गाथा को भूलने की जो भूल आप कर रहे हैं, यकीन मानिए इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। कैमरामैन अजय के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहिब।